मथुरा में नवरात्र के अवसर पर सांसद हेमा मालिनी ने दुर्गा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। डैम्पियर नगर स्थित पांच जन्य प्रेक्षागृह में आयोजित दुर्गा नृत्य नाटिका कार्यक्रम में हेमा मालिनी की प्रस्तुति देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंत्रमुग्ध हो गए। 75 साल की हेमा मालिनी में नृत्य को लेकर वही एनर्जी दिखाई पड़ती है जो किसी नौजवान में दिखाई पड़ती है। इस दौरान हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आई एम वेरी हैप्पी कि नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर दुर्गा नृत्य नाटिका मेरे अपने थिएटर पांचजन्य में करने का मुझे अवसर मिला, सो आई फील वेरी प्राउड। मैं चाहती हूँ कि हमारे मथुरावासी इस थिएटर का और भी यूज करें। यहाँ पे नृत्य, गान और नाटक ये सब होना चाहिए और बहुत सारे कलाकारों को बुलाइए, आप बुलाकर यहाँ पर डांस प्रस्तुत करिए। डांस सिर्फ डांस नहीं, लॉट ऑफ नाइस एक्टिविटीज, नाइस एंटरटेनमेंट करिए। इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिएटर आप लोगों के लिए मैंने दिया है, सो टेक केयर ऑफ इट नाइसली एंड समय समय पर मैं भी यहाँ पर आकर मेरा प्रस्तुति भी करूंगी। एंड आज के कार्यक्रम में हमारे ओम बिरला जी, हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर हैं, वो आए थे और बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा बोला कि मुझे ही मालूम नहीं कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, बट ही नोज इट बिकॉज एवरी टाइम आई कीप ऑन, मैं उनके पास जाकर सब हमारी समस्या, मथुरा के जितना समस्या है सब बोल के वहाँ पार्लियामेंट में बोलने का वही समय देते हैं। और यहाँ मुझे खुशी है कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे नृत्य सिर्फ डांस वंस करती रहती हूँ, यहाँ पर पूरा यहाँ मथुरा में इतना डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें मेरा बहुत ही उसमें श्रेय मेरा जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा रोड, इतने बड़े बड़े जो पैसा जो लगता है सो मेनी डेवलपमेंट में, वो सब कुछ मैं लेकर आई हूँ। और 10 साल तो बहुत बढ़िया काम किया और भी ये लास्ट 5 साल बहुत और भी अच्छा काम करके जाएंगे, सो द मथुरा पीपल विल ऑलवेज रिमेम्बर मी। ये थिएटर देख के भी उनको याद आएगी और मेरा जहाँ जहाँ मैंने काम जो किया उसको देखकर मुझे याद करेंगे। सांसद हेमा मालिनी की प्रस्तुति देखने आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हेमा के अभिनय की तारीफ की। ब्रज की ये धरती आध्यात्मिक धर्म शक्ति भक्ति की धरती है। जब भी इस धरती पर आता आदमी को आध्यात्मिक धर्म की नई ऊर्जा मिलती है और उसके जीवन में सात्विक रूप से, नैतिक रूप से भी और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है जो कर्म की धरती है। कर्म कर कर हम समाज जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं और बिना फल की इच्छा करें, हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। इस धरती से निश्चित रूप से सबको प्रेरणा मिलती है। आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की धरती पर नववाता पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कृष्ण नगरी में दुर्गा स्वरूप के दर्शन हुए, आपने नाटक प्रस्तुति देखी, किस तरीके की अभिव्यक्ति रही? कृष्ण की धरती पर पांचजन्य ऑडिटोरियम में दुर्गा महोत्सव की प्रस्तुति यहाँ की सांसद हेमा मालिनी ने की और किस तरीके से आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति को उन्होंने देश में भी और विश्व में भारत की कला और संस्कृति को पहुँचाने का काम किया, उसके लिए भी उनको बधाई देता हूँ। मंच पर दक्ष वध, शिव तांडव, बम लहरी, शिव पार्वती विवाह और नमस्तस्य की अद्भुत प्रस्तुति को देख वहाँ बैठे दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए।